12 13 आदमी था, पेट्रोल ला के जरा दिया। भाग जाओ तुम लोग, हमारा जमीन में तुम अथी बस रहा है। घर चाहे महल जैसा हो या झोपड़ी जैसा, घर तो घर होता है और जब किसी का घर चलता है तो उसका सब कुछ छीन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के नवादा जिले में, जहां कृष्णानगर महादलित बस्ती में 18 सितंबर देर रात को एलिजिडली आग लगा दी गई। इस आग जनी में 21 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। ये आग किसने लगाई और क्यों लगाई, इस आग से बिहार की सियासत में कितनी आग लगी, इस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। बिहार के नवादा जिले में रविदास और माझी जाति के लगभग 21 झोपड़ी और मकानों में 18 सितंबर शाम को आग लगा दी गई। एज पर रिपोर्ट्स, पासवान जाति के कुछ लोगों ने ये आग लगाई थी। अलजिडली ये घर सरकारी खाली जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में जलाए गए। गांव वालों का कहना है कि दबंगों ने उनके 80 से ज्यादा घरों को जलाकर राख कर दिया, हालांकि पुलिस ने केवल 20 घरों के जलने की बात कही है। पुलिस कहते हैं कि ये घटना कृष्णानगर महादलित बस्ती में मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के नीचे आई और शाम 6:45 बजे के आसपास रिपोर्ट हुई। नवादा पुलिस ने एक स्थानीय नागरिक जिसका नाम नंदू पासवान और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नंदू पासवान ने पहले भी बस्ती वालों को जमीन खाली करने की धमकी दी थी। गांव वालों का कहना है कि मुख्य आरोपी नंदू पासवान ने पहले भी गांव वालों को डराने के लिए गोलियां चलाई थी। एज पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, नंदू पासवान प्रॉपर्टी बिजनेस में लगा हुआ है। वो महादलित बस्ती को हटवाने की कोशिश कर रहा था ताकि सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमा सके। कृष्णनगर महादलित बस्ती में लगभग 400 लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और ये बस्ती 70 से 80 साल पहले बनी थी। बस्ती के लगभग सभी लोग रोजाना मजदूरी करने वाले हैं। बिहार राज्य में जाति और जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा और मारपीट का पुराना इतिहास रहा है। हाल फिलहाल ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन 18 सितंबर की रात दलितों के घरों में आग लगाने और हमला करने की घटना से ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इसको लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। RJD से लेकर कांग्रेस तक सभी नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए BJP और नीतीश सरकार पर बिहार में जंगल राज चलाने का आरोप लगाया है। तो वहीं RJD नेता तेजस्वी यादव ने भी इस इंसिडेंट की निंदा करते हुए CM नीतीश कुमार पर अटैक किया है। साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की ओर से मंत्रियों ने बकायदे इसका संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री ने लिया है, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी और पूरा सहयोग दिया जाएगा। नवादा मामले पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, साथ ही पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी ऑन है। ऐसे में नवादा पर आगे की अपडेट्स के लिए आप स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।